सच में ये रिश्ता क्या कहलाता है कि ट्रैक में फिर से दिखेंगे शिवांगी जोशी। आखिर इस नई तस्वीर को देख क्यों क्रेजी हो रहे हैं फैंस। ये रिश्ता शो में लीड रोल अदा कर चुकी एक्ट्रेस शिवांगी जोशी की नई तस्वीरें सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही हैं। इन तस्वीरों को देखने के बाद कुछ लोग काफी ज्यादा कंफ्यूज हो गए हैं। दरअसल सामने आई तस्वीरों में शिवांगी जोशी ने अपने पॉपुलर किरदार नायरा की तरह ही गेटअप लिया हुआ है। इन नई तस्वीरों में शिवांगी ने ऑफ वाइट रंग की ड्रेस कैरी की हुई है। एक्ट्रेस ने कुछ तस्वीरें सोलो ही डाली हैं और बाकी में वो अपने भाई और माँ के साथ नजर आ रही हैं। इस ड्रेस के साथ शिवांगी जोशी ने कुंदन इयररिंग्स पहने हुए हैं। आपको बता दें कि ये रिश्ता क्या कहलाता है में शिवांगी जोशी ज्यादातर ऐसे ही ड्रेसेस में नजर आती थी। नायरा के लुक में एक बार फिर से शिवांगी जोशी को देखकर लोग खुशी से फूले नहीं समा रहे। एक यूजर ने लिखा है कि शिवांगी आपको ऐसा देखकर मुझे नायरा की याद आ रही हैं। तो कुछ यूजर्स ये भी लिख रहे हैं कि शिवांगी क्या आप शो में फिर से लौट रही हैं। लोग इस तस्वीर को देखकर एक बार फिर से नायरा की यादों में खो चुके हैं। हालांकि आपको बता दें कि शिवांगी का ये रिश्ता में लौटना फिलहाल नामुमकिन है। इसके पीछे का रीजन ये है कि मेकर्स अभी नए रोहित के साथ अभिरा की केमिस्ट्री को जमाने की कोशिश कर रहे हैं। लोगों को दोनों की जोड़ी पसंद आ रही है। वहीं शो में शिवम खजुरिया यानी कि रोहित की वापसी भी होने वाली है। ऐसे में अगर शिवांगी की वापसी शो में दोबारा होती है तो शो के करंट लीड स्टार्स से जनता का ध्यान हट जाएगा और फोकस हो जाएगा सिर्फ और सिर्फ शिवांगी के किरदार पर। और जब शिवांगी शो से हटेंगी तो दूसरे स्टार्स से फिर से कनेक्ट कर पाना जनता के लिए मुश्किल होगा। ऐसे में शिवांगी के शो में वापसी के चांसेस फिलहाल ना के बराबर ही हैं। बात करें शो की तो ये रिश्ता क्या कहलाता है कि नए ट्रैक में एक के बाद एक ट्विस्ट आते जा रहे हैं। अभिरा और अरमान की बढ़ती नजदीकियों को रूही बर्दाश्त नहीं कर पा रही। उधर अभिरा और अरमान को मसूरी में कई ऐसे मौके मिलेंगे जिसके चलते दोनों करीब आएंगे। ये रिश्ता क्या कहलाता है कि कहानी लोगों को बेहद पसंद आ रही है और इसी के चलते लगातार इस शो की रेटिंग्स भी बढ़ रही है। फिलहाल आप शिवांगी जोशी की नई तस्वीर पर क्या कुछ कहना चाहते हैं शेयर कीजिए नीचे कमेंट सेक्शन में।